तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है ए बॉडी ऑफ मास एम इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक ना। मतलब एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और इससे एक स्मॉल मास एम बॉब अटैच कर दिए, ये लेंथ एल है, ठीक है भाई। ये वेरिएबल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई ऑन इट स्टार्ट विथ जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो थी, एंड ग्रेडली इंक्रीज अंटिल एंगल थीटा विथ वर्टिकल, मतलब ये देखो अप्लाइड ऑन इट विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड ग्रेडुअली इंक्रीज। व्हाट यू मीन ग्रेडुअली इंक्रीज? ग्रेडुअली इंक्रीज मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट अबव, हर पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है जीरो, मतलब बड़े आराम आराम से ले जा रहे हैं और यहाँ तक ले आए, ठीक ना। किसी इंस्टेंट यहाँ अप्लाई जब स्ट्रिंग जो है एंगल थीटा बना रही है, ये वाली चीज़ वर्टिकल से, समझ में आया। तो ये कहता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, मतलब जो भी फोर्स इसको यहाँ तक लाया है उसका वर्क डन निकालना है। अब देखो जो फोर्स इस पर लग रहा, अगर मैं उसका वर्क डन निकालूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो थी, और ये है बच्चों हॉरिजॉन्टल वाली लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, तो कितना ऊपर आया है, दिस इज हाइट एच दैट इज अननोन, ये हाइट अननोन है। लेकिन अगर ये थीटा है तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल देखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यहाँ पर ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आओगे तो अगर देखोगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, तो ये पूरा ये कैपिटल एल है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी मान लो ये वाई है, तो ये आ जाएगी एल कॉस थीटा, और ये पूरी की पूरी लेंथ, ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ एल थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ दैट इज हाइट एच, तो हाइट एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, मतलब एल कॉमन ले लें और वन माइनस कॉस थीटा यहाँ से बचेगा, दैट इज हाइट एच। क्योंकि हाइट मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा वर्क डन में, इसका यूज होगा। अब देखो अगर तुम देखोगे तो इस पूरे सिस्टम पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, पहले उनको देखो, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे, अगर यहाँ से एक बॉब है और ये इस पे ऐसे ऐसे जा रहा है, तो हर मोमेंट पे, हाँ हर मोमेंट पे, ये एंगल थीटा है, हर मोमेंट पे इस पे टेंशन तो लगेगा भाई। फोर्स अगर देखोगे तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, तो अगर फोर्स देखोगे तो टेंशन तो हमेशा लगेगा इधर हर पॉइंट पे, एम जी लगेगी नीचे, और एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है ये वाला इधर, ठीक है। कुल मिला के तीन फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल फोर्स है इसी का वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो थी, तो मैं लगा देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आई होप कि सबको आता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए लगा दो, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्स है सभी का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय वेट एम जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये है हाफ एम, और ये जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ये आ गया जीरो। और देखो टेंशन जो है, टेंशन कभी वर्क करेगा नहीं, क्योंकि देखो टेंशन की डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन में कभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, टेंशन इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा ऐसे भी समझ सकते हो 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय द टेंशन जो है इज ऑलवेज जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, तो वर्क डन बाय जो एम जी है वो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स आ गया माइनस टाइम्स वर्क डन बाय वेट एम जी। अगर मैं एम जी का वर्क डन निकाल लूँ, वेट का निकाल लूँ, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन यहाँ से आ जाएगा। तो चलो एम जी का वर्क डन निकालें, तो एम जी का वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो एम जी का वर्क डन आ जाएगा, ठीक ना। एम जी किधर लग रही है भाई, एम जी नीचे लग रही है बॉब पे हमेशा,
और बॉब जो है यहाँ से एमजी की डायरेक्शन से, ठीक है, ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, तो ऊपर हाइट एच है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बना 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट बॉब का ऊपर है और एमजी लग रही है नीचे, तो वर्क डन एमजी एच कॉस 180, ठीक ना, तो यह जाएगा माइनस एमजी एच, और एच आप पहले ही निकाल लिए थे, माइनस एमजी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। तो यहाँ से वर्क डन बाई द वेरिएबल फोर्स यहाँ पे रखोगे तो वर्क डन वेरिएबल ये माइनस प्लस हो गया, तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाई दिस वेरिएबल फोर्स। मतलब अगर तुम देखोगे एम जी एल कॉस थीटा, तो ऑप्शन अगर मैच करोगे तो देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज अपना सी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।